है, अगर आप 1,000 डाटा देते हो ना, हाँ जी, तो उसमें आपको 3,000 रुपये मिलेगा। 1,000 कस्टमर की डिटेल पे 3,000 रुपये ओनली मोबाइल नंबर देना, ओनली मोबाइल नंबर, नाम देना, नाम। अच्छा, पर ये कम नहीं है ये? अब इसकी पूरी स्टोरी ये है कि हम लोग घूमने गए हुए थे बाहर, तो मुझे एक फ़ोन आता है कि आपके क्रेडिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसको अनब्लॉक करने के लिए आपको हमारी APK फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी जो सिर्फ एंड्रॉयड में चलती है, iOS में की ऐप है नहीं। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं बैंक में काम करता हूँ और ये ऐसे कोई ऐप होती नहीं जो iOS में नहीं चलेगी और एंड्रॉयड में ही चलेगी। तो वो बोला कि भाई आप ICICI बैंक में ही काम करते हो? मैंने बोला हाँ करते हैं। मैंने झूठ बोला और बोलते कि आप क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट काम करते हो? तो मैंने बोला हाँ भाई वहीं काम करता हूँ। तो धीरे से बोलता है सर आप मुझे अपना जो डेटा है वो बेच दीजिए, मैं आपको इतने इतने पैसे दूंगा। तो ऐसे ही स्कैम काम करते हैं, और मैं बात कर रहा हूँ ICICI बैंक की। तो उनके कुछ एम्प्लॉयज़ ने हमारे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स बाहर सेल की है, जिसकी वजह से ये लोग हमें कॉल कर पा रहे हैं हमारी डिटेल। इसने मेरा पूरा एग्जैक्ट बताया कि आपका नाम ये है, आपका अकाउंट नंबर ये है, मोबाइल नंबर ये है, फलाना जो भी डिटेल होती सब उसने एग्जैक्ट बताई। तो मुझे लगा कि यार इतना को डिटेल तो बैंक वाले खुद नहीं बताते किसी भी कॉल पे, तो ये कैसे बता रहा है? तो आइए आगे सुनते हैं कहानी क्या होती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि 1,000 क्रेडिट कार्ड जो अकाउंट होल्डर हैं उनका डेटा देने के लिए सिर्फ 3,000 कम नहीं है? पूछना देखिए, इसमें क्या है ना, आपसे लेने के बाद ना हमको भी तो शेयर वो करना है सर, नहीं तो हमको भी देना है, बेचना है ना। नहीं यार ये तो बहुत सस्ता बोल रहे हो कि मतलब 3,000 रुपए, कम से कम 30-40,000 रुपए होते तो मैं सोचता भी चलो ठीक है यार देने मत कुछ मतलब बनता है। 3,000 रुपए के लिए मैं अभी नौकरी खतरे में क्यों डालूंगा? तो कितने आप लीजिएगा? कम से कम 40,000 तो दो यार। 40,000 में नहीं हो पाएगा, 40,000 में, क्योंकि हमको बेचना ना आपको, मतलब अगर आपने देखो आपका कोई कस्टमर फंस गया आप तो लाखों। हम लोग लेते हैं, मेरा एक फ्रेंड है वो लेता है डाटा, ठीक है, ICICI बैंक के थ्रू से ही उसका कॉन्टेक्ट हुआ है। हाँ ठीक है, और उसी के थ्रू से हम लोग पेश लेके अभी यहाँ से कवर्क कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, और आप लोग का जो होता है मोबाइल नंबर और यहाँ से जो होता है नाम दिया जाता है पेज में। हाँ हाँ, तो इस पेज में आपका यहाँ से मैं लोगो प्राप्त भेज दूँ? हाँ, लोगो भेज दूँ आपको? डेमो? डेमो? हाँ नहीं यार, डेमो वेमो नहीं चाहिए, आप थोड़ा रेट ठीक ठाक लगाओ यार, 40,000 करो तब तो कुछ बात बने। अब मैं 3,000 रुपये के लिए सोच के देखो, मैं अपना लॉयल्टी बेचना है मेरे को, है कि नहीं? मैं अपने बैंक के साथ एक 15,000 तक मिल जाएगा क्या? 15,000 तक मिल जाएगा, क्योंकि देखो अगर आपका कोई कस्टमर फंस जाता है तो आपका तो एक ही बार में 1-1.5 लाख रुपये आपका आराम से निकल जाएगा। तो ये देखो उतना तो निकल ही रहा है, बट उसमें क्या है ना, और अगर हम अगर आपको 1,000 का मैं डिटेल 1,000 अकाउंट का डिटेल देता हूँ तो उस 1,000 में कम से कम 10 लोग तो फंसेंगे ही आपके। हाँ, इतना तो और 10 में अगर आप 10 अकाउंट में अगर आप सुनो तो 10,000 में अगर आप सॉरी 10 अकाउंट में अगर आप 10,000 का भी थोड़ा स्कैम करते हो तो 10 देख लो 1,00,000 रुपये तो क्या कहते हैं सॉरी कितने बन गई है सर। इसमें ऐसा थोड़ी ना, उसमें APK फाइल बनवाना पड़ता है, APK फाइल नहीं मतलब फाइल बनाने के बाद में उसमें 1-2 लैपटॉप उसमें जाता है APK फाइल बनाने के लिए। अच्छा अच्छा, जाता है उसमें सर, इतना थोड़ी ना। नहीं नहीं यार, नहीं मेरी नौकरी वैसे क्या कहते हैं, मेरी सैलरी 1,00,000 रुपए, मैं वो क्या कहते हैं 3,000-10,000 के लिए सॉरी यार मैं इतना रिस्क नहीं लेगा। आप लोग देखिए 1,000 यहाँ से डाटा अगर दोगे तो मैं आपसे 1,000 ही थोड़ी ना डाटा आपसे लूंगा, वो मैं फॉर्मूला आपको बताया हूँ। आप तो एक ही बार सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ से 5-10 हज़ार डाटा। अरे भाई मेरे को तो मैं सुनो करने पर आपका 10 नहीं, आपको यहाँ से अगर 1,000 आपका डाटा में अगर 15,000 मिलेगा तो। अरे मैं तो जानता हूँ भाई, इसमें आपका तो 70-80 हज़ार इसी तरह होगा। मैं तो जानता हूँ एक क्लिक के अंदर मेरा सारा डाटा आ जाएगा और मेरे को भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, बट बात यह है कि जब पकड़ा जाऊंगा तो मैं 3,000 के लिए पकड़ा जाऊंगा या 10,000 या 15,000 के लिए, थोड़ा रेट बढ़ाओ यार। आप थोड़ी ना पकड़ाइएगा, तो पकड़ाने वाले चांसेस नहीं है क्योंकि वर्क अभी तो चल रहा है, तो बहुत डर है सर। यार जिसका कॉन्टेक्ट हुआ उसका भी है ना। हाँ, बट यार नहीं यार सॉरी नहीं कर पाएगा अपन, ठीक है, ठीक ओके।